गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दिस सुधीर फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर कंप्यूटर बुक. वेरी गुड. एंड ओपन पेज नंबर 16. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनपुट डिवाइसेज एंड सीपीयू. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइसेज एंड सीपीयू. सो स्टूडेंट, अवर फर्स्ट पैराग्राफ इज, वी ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर वर्क ऑन IPO बेसिक स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स. सो स्टूडेंट, आपको पता है कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? IPO. और इसके फुल फॉर्म क्या है? I मतलब इनपुट, P प्रोसेस, O आउटपुट डिवाइसेस. दे आर इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस डिवाइसेस. लेट अस लर्न मोर अबाउट देयर फंक्शंस प्रॉपरली. अब इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? प्रॉपरली और डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. सो स्टूडेंट, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जो कंप्यूटर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है. और वो किससे देता है स्टूडेंट? बाय टाइपिंग कीबोर्ड से. ओके, जैसे आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, टाइम पे आपको खाना चाहिए, टाइम पे स्टडी करनी चाहिए, सब कुछ टाइम पे करना चाहिए ना, वैसे ही इनपुट क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है. सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेज आर, और इनपुट डिवाइसेज हैं, फर्स्ट कीबोर्ड. द यूजुअल वे टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर इज थ्रू द कीबोर्ड. सो स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया, हम कंप्यूटर में डाटा किससे एंटर करते हैं? कीबोर्ड से. किससे करते हैं? कीबोर्ड से. कीबोर्ड तो आप सबने देखा होगा अपने कंप्यूटर लैब में, जब आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, जिससे आप टाइप करते हो. उसमें बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं ABCD के. ओके, यू कैन टाइप द डाटा यूजिंग डिफरेंट कीज ऑन द कीबोर्ड. सो स्टूडेंट, हम डिफरेंट टाइप की कीज दबा के हर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं ना कंप्यूटर पे. सम ऑफ द कॉमन कीज आर, और कॉमन कीज हैं, पहला क्या है? अल्फाबेट कीज. क्या है फर्स्ट? अल्फाबेट कीज. ओके स्टूडेंट, इट हेल्प टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ये किस में हेल्प करता है? वर्ड और सेंटेंसेस लिखने में. अल्फाबेट क्या होता है? जैसे ABCD हमारा अल्फाबेट है, वैसे ही आपने देखा होगा ना कीबोर्ड पे भी ABCD वर्ड है. इससे क्या करते हैं? हम टाइप कर सकते हैं, एक वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, एक फुल सेंटेंस भी टाइप कर सकते हैं. देयर आर 26 अल्फाबेट्स कीज फ्रॉम A to Z. सो स्टूडेंट, कितने अल्फाबेट कीज है? 26. और कहाँ से कहाँ तक है? A to Z. आपने तो ABCD पढ़ी होगी. पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? उसमें ABCD A to Z तक होती है ना. वैसे ही कीबोर्ड पे भी A to Z अल्फाबेट क्या होते हैं? मेंशन होते हैं. ओके, सेकेंड इज नंबर कीज. इट हेल्प्स टू टाइप नंबर्स. दीज आर मार्क्ड विद द डिजिट्स 0 to 9. ओके स्टूडेंट, नंबर्स कीज, जैसे नंबर में क्या होता है? 1, 2, 3, 4. और ये किसमें हेल्प करता है? हमारी नंबर टाइप करने में. और कहाँ से कहाँ तक के नंबर मेंशन होते हैं? 0 to 9. आपने देखा होगा ना, सबसे पहले होता है 1 to 9 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देन 10 नहीं होता, एंड में क्या होता है? 0. हम उसी से जितने भी हमें नंबर्स चाहिए, हम उससे खुद ब खुद टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शन कीज. दीज कीज आर यूज फॉर स्पेशल फंक्शन. स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है. दे आर मार्क्ड F1 to F12. कहाँ से कहाँ तक मार्क होते हैं? F1 to F12. आपने कीबोर्ड में देखा हो ना, आपने जब प्रैक्टिकल किया है तो आपने देखा है ना. दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड. और ये कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं स्टूडेंट? कीबोर्ड के टॉप पे. कहाँ पे होते हैं? वेरी गुड, कीबोर्ड के टॉप पे. सो शिफ्ट की. शिफ्ट की हेल्प्स टू टाइप सिंबल्स मार्क्ड ऑन द अपर हाफ ऑफ सम कीज. सो स्टूडेंट, अपर हाफ ऑफ सम कीज, शिफ्ट से क्या होता है? ये मार्क्ड करता है अपर हाफ को. ओके, नेक्स्ट इज स्पेस बार की. इट हेल्प्स टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्पेस बार की में क्या होता है? ये स्पेस देता है वर्ड्स और नंबर्स के बीच में. जैसे आपने 1, 2, 3 लिखा, 1 के बाद अगर आप स्पेस की दबाते हो तो 1 के बाद थोड़ा सा गैप आ जाएगा. ओके,
जिससे क्या होता है, वर्ड्स एकदम क्लियर लगते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बैक स्पेस की. इट डिलीट्स अ कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर. बैक स्पेस की क्या होता है? सो स्टूडेंट, बैक स्पेस में क्या होता है, जो हमें इट डिलीट अ कैरेक्टर अप टू लेफ्ट टू द कर्सर, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उसे डिलीट करता है. ओके, नेक्स्ट इज डिलीट की. इट डिलीट्स अ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर. डिलीट की से क्या होता है, जो चीजें हम लिखते हैं उसे हम इजिली डिलीट कर सकते हैं. एंटर की. इट टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. जब हम एंटर प्रेस करते हैं ये बटन, तो क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा कर्सर होता है वो कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. सो स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 10 डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.